हीटिंग की वजह से विंड ब्लो होती है, एयर के अंदर प्रेशर होता है। अब हम आज तीन चीजें पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों चीजों का कंसेप्ट ऐसे ही लेना देना है, और तीनों चीजों का नाम है थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन्स, टोर्नेडोज। सबको सुनाई दे रहा है ना, यस और नो? सबसे पहले हम पढ़ेंगे थंडरस्टॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट, थंडरस्टॉर्म। अब देखो स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, आंधी, स्ट्रॉन्ग विंड्स, जिसके अंदर वेरी फास्ट विंड, बहुत तेज हवाएं चल रही है। थंडर का मतलब साथ में साउंड प्रोड्यूस हो रही है लाइटनिंग की वजह से। अगर मैं तुमको सिंपल सी बात बोलूं, थंडर स्टॉर्म क्या है, बहुत तेज बारिश भी चल रही है, उसके साथ बहुत तेज हवा भी चल रही है, उसी के साथ बिजली भी गिड़गड़ा रही है। और थंडर स्टॉर्म में कई बार अगर तुमने ओले भी गिरते देखा, इतने बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, देखा है कभी इतने बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े भी गिरते हैं? बस 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 बस, हाँ वो समझ गए, वही। लेकिन वो होता क्यों है, वो हुआ क्यों, होता कैसे? देखो ये मान लो अर्थ है, अर्थ या फिर ये अपना ग्राउंड है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, अगर ये ग्राउंड गर्म हुआ तो क्या होगा? हीटिंग की वजह से एयर ऊपर चली ऊपर। अब जब एयर अपने साथ ऊपर लेके जाएगी, ऊपर जाएगी, तो इसके साथ क्या जाएगी, वेपर। अब मेरे को ये बताओ, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो क्या टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा? अच्छा, ऐसा पहाड़ के ऊपर, डूंगर के ऊपर चढ़ते तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? यस, अर्थ के एटमोस्फेयर के बाहर जाओगे तो इंक्रीज होगा, लेकिन अगर तुम ऊपर जाते जाते हो तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन। ऊपर जाते जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डाउन। अब देखो, अरे माइक बंद करो कोई अपना। अब देखो इसमें क्या है, वेपर है और ये अप जाए जा रही है। अब काफी ऊपर जाने के बाद क्योंकि टेम्परेचर डाउन है, मेरे को ये बताओ, जब वो बर्फ बर्फ वाली ग्लास के चारों तरफ देखा, पानी जम जाता है, यस और नो? ठीक है, कंडेंसेशन होती है। तो ये वेपर ऊपर जाने के बाद लो टेम्परेचर की वजह से वहां क्या बन जाएगी, वाटर। क्या बन जाएगी, वाटर या फिर क्लाउड, वाटर या फिर। तो ये तो पानी तो भारी चीज है, ये कहां पर आएगा, डाउन, यस और नो? ये डाउन आने की कोशिश करेगी और नीचे गर्मी करेगी और जाएगा, तो ये जो वाटर है बहुत सारा वाटर इकट्ठा हो जाएगा क्लाउड के फॉर्म में। अब क्योंकि ये वाटर इकट्ठा हो जाएगा क्लाउड के फॉर्म में, अगर मैं और तो देखता हूँ तो ये और भी बन सकता है, और ठंडा टेम्परेचर वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, देखो सब, हाँ सो आई कांट डू एनी, सब म्यूट करो अपने आप को। अब देखो ये जो गर्मी की वजह से नीचे आना चाहता है, और ये वाटर जो है क्लाउड्स के साथ नीचे आना चाहता है, फिर से ये हवा इसको ऊपर लेके जाना चाहती है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, फ्रिक्शन हो रही है। क्या हो रही है, इतने से एरिया में क्लाउड्स के बीच में और एयर के बीच में क्या प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन। क्या होगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मीन्स ये क्लाउड जो है वो नीचे जाना चाहता है, ये एयर उसको ऊपर लेके जाना चाहती है,
इस वजह से इनके बीच में क्या होगी, फ्रिक्शन। एक बात याद रखना, मेरे को एक बात बताओ, तुमने देखा वो अपने स्केल जो है, स्केल अपने सर के रगड़ते हैं फिर कागज के चिपकाते, देखा वो कागज को अट्रैक्ट करती है, यस और नो? फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाती है, चार्जिंग। क्या हो जाती है, चार्जिंग। तो जब बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा और जब यहां पे बहुत ज्यादा चार्जिंग हो जाएगी तब यहां से बिजली निकलेगी और उसको कहते हैं थंडर। क्या कहते हैं, थंडर या फिर वो जो बिजली है चार्जिंग की वजह से वो लाइटनिंग बन के नीचे थंडर जैसी साउंड प्रोड्यूस होगी। समझ में आया, ये सोर नो, ये थंडर स्टॉर्म कैसे बना? अब देखो थंडर स्टॉर्म भी होता ना, थंडर स्टॉर्म के साथ याद रखना बारिश आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, थंडर स्टॉर्म के साथ हेल स्टॉर्म आने का बहुत चांस रहता है। हेल स्टॉर्म मींस ओले गिरेंगे, बर्फ के ओले ऐसे बड़े बड़े पत्थर जैसे, ठीक है। अब देखो एक बात याद रखना, कभी भी थंडर स्टॉर्म हो ना तो लोखंड के पतरे वतरे के छत के नीचे नहीं जाना है, क्यों? हो सकता है वो लाइटनिंग तुम्हारे ऊपर गिर जाए, किसी लंबे पेड़ के नीचे नहीं जाना है, ठीक है। और प्लस यूं भी हो सकता है कि आपको अगर आजू बाजू में कहीं पे भी हो, ठीक है, तो किसी मकान के अंदर चले जाओ, ऐसी जगह पे चले जाओ। अब दूसरी चीज साइक्लोन, साइक्लोन नाम सुना है? अरे साइक्लोन नाम सुना है क्या? इंडिया में साइक्लोन्स बहुत आते हैं, इंडिया में साइक्लोन ज्यादातर उड़ीसा और गुजरात में आते हैं, अपने गुजरात में भी आता है साइक्लोन। साइक्लोन्स, ये साइक्लोन क्या चीज है याद रखना, साइक्लोन क्यों होता है उसको समझने के लिए तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, इधर ध्यान दो। ये वाटर है, वाटर जब वाटर को गर्म करता हूं, जब मैं वाटर को गर्म करता हूं, एक बात सुनो, ये सबसे पहले ये पार्थ अपना माइक बंद करो, ठीक है। जब मैं पानी गर्म करता हूं तो वो बन जाती है वाटर वेपर, यस। अब एक चीज याद रखना, अगर कभी भी वाटर वेपर का क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, मतलब अगर वाटर वेपर वापस से वाटर बनेगी ना तो वो हवा में क्या चीज रिलीज करेगी, हीट। याद रखना वाटर हीट ले लेगा तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होगी तो ये हीट रिलीज करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, इधर ध्यान दो, जब वाटर वेपर क्या, वाटर वेपर कंडेंस होके किसमें कन्वर्ट होगी, वो क्या चीज रिलीज करेगी, तो वो क्या चीज रिलीज करेगी, हीट। इसका जस्ट उल्टा देख रहे हो, वाटर वेपर वाटर प्लस हीट, वाटर प्लस हीट। तो जब भी वाटर वेपर कंडेंस क्या होगी, कंडेंस होके वाटर बनेगी तो वो रिलीज करती है हीट, और इसी ही हीट की वजह से प्रोड्यूस होते हैं अपने साइक्लोन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इधर ध्यान दें। साइक्लोन की शुरुआत होती है सी के अंदर से, सी, ठीक है। अब क्या है, गर्मी पड़ी तो पानी हवा ऊपर गई वाटर वेपर को लेकर और ऊपर गई, हुआ क्या, ये वाली वेपर क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कम था तो ये वाटर यहां पर तो क्या थी, वेपर थी, यहां किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में। लेकिन जब वाटर में कन्वर्ट हुई तो हुआ क्या, हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज हुई तो इस हीट ने इसको और ऊपर लेके चली गई, ऐसे कर करके ये काफी ऊपर चली गई, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा एरिया है ऐसा कि
कि यहां की सारी एयर ऊपर जा चुकी, ये एरिया 10 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक हो सकता है, ठीक है। अभी पूरा का पूरा एरिया कैसा है, लो प्रेशर वाला, मतलब यहां हवा है ही, सारी हवा ऊपर गई, तो आजू बाजू में दूर दूर से हवा आएगी, ठीक है। अब वो जो हवा आई दूर दूर से, अर्थ रोटेट होती है, अर्थ क्या होती है, रोटेट, जिस वजह से हवा भी इसके चारों तरफ रोटेशन, तो एक ऐसा एरिया बन जाएगा कि बीच में लो प्रेशर है और साइड में विंड्स ब्लो कर रही है बहुत ही ज्यादा स्पीड के, स्पीड विंड्स बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ, और ये जो चीज है इसी को कहते हैं साइक्लोन। अभी साइक्लोन में ये जो बीच वाला एरिया है जिसमें लो प्रेशर है उसको कहते हैं आई, इसको क्या कहते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन। साइक्लोन की ये वाली विंड्स 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक आ सकती है। याद रखना साइक्लोन कौन से एरिया में ज्यादा आती है, जो इक्वेटर के आसपास है, किसके आसपास है, प्लस साइक्लोन जो है अपने इंडिया में बहुत ज्यादा आता है। साइक्लोन का अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम है, जापान में टाइफून नाम है, अमेरिका में ह्यूरिकेन नाम है, ठीक है, समझ में आया, यस और नो। अब है टॉर्नेडो, याद रखना समुद्र के आसपास के लोगों को जब भी साइक्लोन का पता चले उनको शिपिंग पे, मतलब फिशिंग पे नहीं जाना चाहिए, गवर्नमेंट को रेगुलरली सैटेलाइट्स के थ्रू चेक करते रहना चाहिए कि साइक्लोन आने वाला है या नहीं। यस हेलो, हाँ बोलो, ओ यस यस, गुड इवनिंग मैम, सॉरी मैम, एक्चुअली आई माई सेल्फ कांट हेल्प इन दिस वन मैम। मैम एक्चुअली वाई द वॉइस लैग्स आई माई सेल्फ डोंट नो, इट मे बी दैट देर इज सम नेटवर्क इशू, बट मैम द रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ दिस विल बी अपलोडेड टूडे और डे आफ्टर टूमोरो इन गूगल क्लास और देर इन ग्रुप मैडम। यस यस मैडम, ओके मैम, थैंक यू। अब देखो टॉर्नेडो, टॉर्नेडो क्या चीज है, मैं पहले ही बता दूं, थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन और टॉर्नेडो, ये तीनों के तीनों चीजें अलग अलग है, इनको मिक्सअप नहीं करना है। हाँ, इन सब में विंड का लेना देना है, प्रेशर का लेना देना है। अब देखो टॉर्नेडो के अंदर क्या होता है, बेसिकली होता क्या है, कई बार जब काफी क्लाउड्स होते हैं उनमें से कोई एक पर्टिकुलर क्लाउड का ऐसा एरिया होता है जो कि बहुत ही ज्यादा डार्क है, जो कि बहुत ही ज्यादा डार्क है। अब होता है क्या है, इस डार्क एरिया के आजू बाजू बहुत स्पीड में विंड ट्रेवल करने लगेगी, और क्योंकि ये डार्क क्लाउड, डार्कनेस, उसमें पानी का अमाउंट काफी ज्यादा है, ये डाउन आने की कोशिश करेगा और ये विंड डाउन आ, बेटा व्हाट आई कैन डू इन दैट थिंग यू लेट मी नो। ये जो फिर ये क्या करती है, ये हवा ऐसे नीचे की तरफ आती है और फनल शेप ले लेती है, कौन सी शेप, फनल शेप। टॉर्नेडो ज्यादा चौड़ा नहीं होता, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक का ये होता है, और ये कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। और टोर्नेडो करता क्या है, टोर्नेडो के बीच में बहुत लो प्रेशर होता है, कैसा प्रेशर, लो प्रेशर, आजू बाजू के मुकाबले यहाँ काफी लो प्रेशर होगा तो आजू बाजू के एरिया में क्या होगा, हाई प्रेशर। तो टोर्नेडो के टाइम पे क्या होता है, अगर यहाँ आजू बाजू में कोई भी घर या फिर कार है तो यहाँ हाई प्रेशर है और ये हवा बड़ी स्पीड में इस लो प्रेशर की तरफ जाएगी और इस टॉर्नेडो में फंस के गोल गोल घूमने लगेगी, फिर वो गोल गोल घूमते घूमते काफी हवा के अंदर आके बाहर की तरफ निकल जाएगी। याद रखना टॉर्नेडो इंडिया में नहीं आते, इंडिया में सबसे ज्यादा आते हैं साइक्लोन्स एंड थंडरस्टॉर्म्स, समझ में आया कि नहीं, यस और नो।
टोर्नेडो है तो अपने घर में चले जाओ, या फिर क्या करो कि ऐसे खुद एकदम ऐसे छोटे से होके किसी कोने में बैठ जाओ, खुद का सर कवर कर लो, ये सारी चीजें।